पंजाब के पहले लीवर एंड बिलियरी साइंस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री पंजाब ने किया है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह मौजूद हैं। सर, जो नई तकनीक है इस अस्पताल में, इस इंस्टीट्यूट में, किस तरीके के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया जाएगा और कौन कौन सी मशीनें कहाँ कहाँ से मंगवाई गई? ये देखिए, सारी स्टेट ऑफ आर्ट मशीनें हैं और यहाँ पर लीवर के पेशेंट्स आएंगे। लीवर के पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो सिरोसिस कॉमन है। सिरोसिस शराब की वजह से होती है या फैटी लीवर की वजह से होती है या हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस बी की वजह से होती है। उनका ट्रीटमेंट तो करना ही है। अल्कोहल अगर उसकी वजह से है तो अल्कोहल बंद करना है। डाइट की वजह से है तो डाइट कंट्रोल करनी है, एक्सरसाइज करनी है। कभी कभी डायबिटीज़ की वजह से हो जाता है सिरोसिस, वो भी आपको देखना है। और उसके बाद जब एक बार आपको या तो पेट में पानी आता है, सिरोसिस का इंडिकेशन है, या फिर जॉन्डिस होती है, या आपको मुंह से खून आएगा। अगर जैसे मरीज़ यहाँ आएगा, मुंह से खून आया, तो हम इमीडिएटली इमरजेंसी में उसको पहले देखेंगे बीपी वगैरह ठीक है कि नहीं, उसके बाद में फिर एंडोस्कोपी करेंगे उसकी। अगर नसें फूली हुई हैं तो उसमें हम बैंड्स लगा देंगे और ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर अमनदीप हैं, ये भी हमारे साथ ही काम करते हैं और ये भी PGI में हमारे साथ थे और अब यहाँ काम करते हैं। ये सारा काम जो है यही करेंगे जी। डॉक्टर अमनदीप जी, जिस तरीके से सर ने बताया PGI में भी सेवाएं दे चुके हैं, तो यहाँ पर जो ये मशीन जो है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ है, कौन सी कंट्री से ये इंपोर्ट की गई है? अभी मुख्यमंत्री ने बताया कि 2050-2040 तक का जो विज़न है उसको देखते हुए ये इंस्टीट्यूट तैयार करवाया। ये ओलंपस जो मशीन है ये जापान की कंपनी है और इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे अच्छे सेंटर्स में यूज़ किए जाते हैं और हमारे टेंडर में भी इनका L1 निकला था, तो इसकी वजह से ये यहाँ पे है। और ये बड़ी अच्छी मशीन है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे आपने खुद बताया कि AI टेक्नोलॉजी में है इसमें, सो इससे काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो PGI में भी हम एक्चुअली यही मशीन से ही काम करते थे, तो मेरे ख्याल से हम अगर इसका प्रयोग करेंगे तो ये जनता के लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। सर, टाइम कितना सेविंग होगा इसमें अगर आपकी टीम प्रॉपर काम करेगी? इन मशीनों का समय कितना आपका सेव रहेगा अगर पेशेंट आता है कोई उसका ट्रीटमेंट? पेशेंट आता है, इधर आएगा, अभी पेशेंट होगा, मैं 5 मिनट में कर दूंगा। 5 मिनट में अगर एंडोस्कोपी हो गई तो पता लग गया क्या बीमारी है, उसमें ट्रीटमेंट भी हो गया। तो यहाँ पर पहले डिस्का नहीं खाना पड़ेगा उसे, वो जब बड़े हॉस्पिटल में जाएगा या तो उसकी पॉकेट खाली हो जाएगी या फिर PGI में पॉकेट नहीं खाली होगी, लेकिन वहाँ धक्के बहुत ज़्यादा है। और सर, यहाँ पर प्राइसिंग क्या रहेगी अमूमन जो टेस्ट होते हैं या कॉस्ट है? टेस्ट हैं, आप कंपेयर करें, देखिए यहाँ पे जो ICU का मैंने बताया फोर्टिस या मैक्स में 1 लाख पर डे होता है, या 10,000 पर डे होगा। और ये आप देखिए कि जैसे फाइब्रो स्कैन है उसकी कॉस्ट बाहर में 7,000 के करीब होती है, यहाँ 2,000 होगी। एंडोस्कोपी की 10,000 के 12,000 के करीब होती है, यहाँ 2,000 होगी। तो सारी जो जितनी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हों सबका रेट जो है 1/3, 1/4, 1/5 है। सर, एवरेज क्या होगी अगर आंकड़ों की बात करें पंजाब के कितने पेशेंट होंगे? हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी बोला है कि पूरे भारत भर से जो पेशेंट हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने आएंगे, हालांकि PGI में भी कोई भी किसी भी जगह से आ सकता है, यहाँ कोई स्टेट का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन क्योंकि ये पंजाब में है तो पंजाब वाले मरीज़ों को यहाँ आने में सुविधा होगी और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हें होगा। कुछ आंकड़े अगर शेयर कर सकते हो, क्योंकि पंजाब में ज़्यादातर अगर पेशेंट होंगे इसीलिए इंस्टीट्यूट यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी तभी ये खुला। आप आंकड़े तो मैं आपको बताऊँ, मैं PGI में 30-32 साल रहा, वहाँ पर सुबह से OPD शुरू होता था, सुबह 7 बजे से और शाम को 7 बजे तक OPD देखते थे, और उसमें से 60-70% मरीज़ पंजाब के होते थे। तो पंजाब में लिवर डिसीज़ रैम्पेंट है और उसकी वजह ये एक तो अल्कोहल है, दूसरा हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस बी है, और तीसरा जो पंजाबी डाइट है, और चौथा आप कह सकते हैं कि डायबिटीज़ आल्सो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो उसकी वजह से लिवर डिसीज़ ज़्यादा है और फिर लिवर डिसीज़ के मैनेजमेंट के लिए एक बड़े इंस्टीट्यूट की ज़रूरत थी। क्या ट्रीटमेंट के साथ साथ मेडिसिन का भी यहाँ पर इसी इंस्टीट्यूट में? मेडिसिन का अभी नहीं होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में हम प्लान करेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये मशीनें जो हैं ओलंपस मशीनें जो पीजीआई में भी इस्तेमाल की जाती हैं। तो अब लेटेस्ट मशीनें जो हैं वो यहाँ पर मोहाली के इंस्टीट्यूट में यहाँ पर इस्तेमाल की जाएंगी। तो बताया जा रहा है कि जापान की जो ये मशीनें हैं यहाँ पर ली गई हैं, इनको यहाँ पर लाया गया है। तो अपडेट जो मशीनें हैं वो यहाँ पर लाई गई हैं। तो आपको इंस्टीट्यूट की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये इस प्रकार से इंस्टीट्यूट जो है बनवाया गया है। आप देख सकते हैं कि डिस्पेंसरी को हटाकर ये नया जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलरी साइंस का आज उद्घाटन मुख्यमंत्री पंजाब ने किया है, तो उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह भी मौजूद थे। तो डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह का साफ तौर पर कहना है कि पंजाब में लीवर की समस्याओं के पेशेंट सबसे ज़्यादा हैं जिनका इलाज अब यहाँ पर किया जाएगा, और इसके अलावा देश भर के पेशेंट भी यहाँ पर इलाज करवा सकते हैं और प्राइवेट अस्पताल से यहाँ पर बहुत कम खर्च पर जो है इलाज किया जाएगा। मोहाली से वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ पंजाब केसरी के लिए वरुण भट्ट।